कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से बढ़िया होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू की कटलेट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आलू जो है छिलके उतार के उनको बॉईल कर लिया है, और ये आलू जो है बॉईल कर लिए हैं। अब मैं इनको मैश कर लेती हूँ हाथों को अच्छे से वॉश करके। देन आप इसको फोक से भी कर सकते हैं, मैं हाथों की मदद से ही कर रही हूँ। ये मैंने आलू जो है सारे मैश कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो जो मैं ऐड करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। रेडी को एंड तक देखिएगा जी। देख सकते हैं आलू मेरे हो गए हैं मैश। एक जरूरी बात मैं बताती चलूँ आपको कि जब आलू आपने बॉईल करने हैं तो इसको पील ऑफ जरूर कर लीजिएगा। पहले इसका जो छिलका है उसको पील करके उसके बाद आप इसको पानी में डाल के बॉईल करें। उससे ये होगा कि आलू जो है वो आपके लेस नहीं छोड़ेंगे। तो ये जरूर बात याद रखें और ट्राई करके देखें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे जी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे आलू हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद जो है सब्ज मिर्चे और धनिया जो है वो चॉप करके रख लिया है। मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने धनिया ऐड किया है, धनिया और सब्ज मिर्च ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर मैंने बनाया हुआ है घर पे वो ऐड करूंगी। हाफ टी स्पून की जितनी अजवाइन ऐड करूंगी। ग्रीन चिलीज मैंने ऐड की है 3 से 4 अदद। तो रेड चिली फ्लेक्स मैं 1 टीस्पून की जितनी ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून थोड़ी सी ज्यादा कर लें बेशक। इसके अंदर मैं जो है जीरा 1 टीस्पून की जितना जीरा ऐड करूंगी, और 1 टीस्पून ही मैं इसमें कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी, और आखिर में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जितना ही सॉल्ट ऐड करूंगी। सॉल्ट का जो है वो अपने हसबे जरूरत, आप जो है जितना कम ज्यादा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप टेस्ट करके जो है इसको कर सकते हैं। इनकी अब मैं कर लेती हूँ मिक्सिंग। ये हो रही है जी, इसकी मिक्सिंग हो गई है ऑलमोस्ट जी, हो गया मिक्स। बहुत यमी से आलू के कटलेट्स बनेंगे। और इसको जो है मैं ब्रेड क्रम्स लग अंडा और ब्रेड क्रम लगा के फ्राई करूंगी। और कुछ तो है मैं सिर्फ खाली अंडे के साथ भी आपको करके दिखाऊंगी, दोनों तरीके से ही मजे के बनते हैं। ये देखिए जी, आलू की डोसी एक तैयार हो गई हमारी। ठीक है, चलिए इसको हाथ के अंदर एक हम बॉल की शेप देंगे एंड देन आप इसको आराम से इस तरीके से फ्लैट कर लें। अगर आपने ज्यादा मोटे रखने हैं आप उस तरीके से कर लें जैसे आपके घर पे खाना पसंद करें, आप उस तरीके से इसको शेप दे लें। ये देखिए जी, ये आलू के कटलेट हमारे हो रहे हैं रेडी। थोड़ा सा अगर आपके हाथ पे चिपक रहा है थोड़ा सा पानी लगा लें हाथ को, या ऑयल लगा लें। इस तरीके से हाँ इसको शेप देके जो है रेडी कर लें सारे। बहुत इजी सी और यमी सी रेसिपी है, जरूर ट्राई करें अपने घर पे। और
एंजॉय करें। रमजान में आप बनाना चाहते हैं रमजान में बनाएं, ऐसे ही बना के कोई गेस्ट आ रहे हैं आपके घर में तो जल्दी से ये बन जाती है, इजी सी रेसिपी है, आप बनाएं और एंजॉय करें इसको, खुद भी खाएं, अपने गेस्ट को भी खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। ये हम सारे आलू के कटलेट्स रेडी कर लेते हैं, एंड देन हम इसको जो है ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करेंगे। आपके पास अगर ब्रेड क्रम्स अवेलेबल नहीं है तो आप जो है खाली एग की कोटिंग से भी कर सकते हैं, उससे भी मजे के बनते हैं। देखिए ये सारे कटलेट्स हो गए हैं रेडी, अब इनको हम जो है ब्रेड क्रम्स और अंडे की कोटिंग करते हैं। ये मेरे साथ ब्रेड क्रम्स और ये मैंने टोस्ट लिए हैं, इनको मैं बीच कर लेती हूँ। उससे बस मैंने थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर ऐड की है, आप हम पहले जो हमारे कटलेट्स हैं उनको एग में डिप करते हैं इस तरीके से, आप चाहे तो हाथ की मदद से कर लें, देन आप उसको ब्रेड क्रम्स ऐसे कोटिंग करें। ये हो गया कटलेट्स रेडी, घर पे बनाएं और खुद भी खाएं, मेरे दोनों को भी खिलाएं, और यानी से कटलेट्स जल्दी से बन जाते हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको सब तरफ से ब्रेड क्रम्स लगा लेनी है और ये बहुत ही यमी से कटलेट्स तैयार हो जाएंगे आपके। जैसे कि रेसिपी मैं आपको रिपीट करती चलूँ, मैंने इसके अंदर जो है आलू बॉईल किए थे और इसके अंदर जो है मैंने धनिया और सब्ज मिर्ची चॉप करके ऐड कर ली थी, तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज मिर्ची थी और थोड़ा सा धनिया, इसको मैंने चॉप कर लिया था दोनों को। देन इसमें मैंने नमक, थोड़ी सी दादर लाल मिर्च, ये सबक मिर्च डाली हुई थी, इसलिए लाल मिर्च मैंने नहीं ऐड की, जो रेड चिली फ्लेक्स होते हैं दादर लाल मिर्च जिसको कहते हैं वो ऐड की है, और इसमें जो है थोड़ी सी अजवाइन, जीरा, सूखा धनिया पीसा हुआ, और जो है इसके थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है। यही सब चीजें जो है ऐड करके ये देखें जी हमारे कटलेट्स जो वो हो गए हैं बिल्कुल रेडी, के साथ भी जो है कोटिंग की है उसके साथ भी नहीं बनती, ये जो है ब्रेड क्रम्स अंडे के साथ फिलिंग, ब्रेड क्रम की कोटिंग और अंडे की कोटिंग के साथ जो है ये हमारे कटलेट्स भी हो रहे हैं रेडी। आप देख सकते हैं कि वो अंडे की कोटिंग वाले हैं और ये एक ब्रेड क्रम्स की कोटिंग वाला जो है, दोनों ही टेस्ट में भी यमी है और वैसे भी बनाने में भी दोनों ही टेस्टी लगते हैं। जो आपको बनाने पसंद हो आपके घर पे जिस तरीके से खाते हैं ब्रेड क्रम्स वाले, तो आप ब्रेड क्रम्स वाले बना लें, अंडे वाली कोटिंग के साथ पसंद है तो आप अंडे के साथ कोटिंग कर सकते हैं, और इसको हम शेलो फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। ये हो गए जी हमारे कटलेट्स रेडी, इसको हम सर्व करेंगे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ, और आज सब ये अपने घर पे बनाए और इसको जरूर एंजॉय करें, बहुत यमी बनते हैं। ये वाली जो है अंडे की कोटिंग के साथ है और ये ब्रेड क्रम्स और अंडे वाली कोटिंग के हैं,
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर बेल आइकन को टिक करना ना भूलिएगा। कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी कैसी थी और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।